यस, सो वर्डप्रेस में आप लोगों के आप आज हम यूजर्स भी क्रिएट कर लेंगे ताकि आप लोग आपके साइट से आपके यूजर आईडी के लॉगिन से आप लोग आपका काम कर सकते हो। जैसे कल यहाँ पे सानिया को प्रैक्टिस करके देख रहा था लेकिन उसका यूजर क्रिएट नहीं किया था, तो आज मैं वर्डप्रेस पे आपकी हर एक के इंडिविजुअल यूजर्स क्रिएट कर दूंगा ताकि आप लोग उसी यूजर आईडी से लॉग इन कर सकते हो और आपको जो दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर सकते हो। गाइस अब मेक श्योर कि यू पीपल फोकस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज जैसे मैंने बोला आप लोगों को यहाँ पे इंटरव्यूज में बहुत जगह पे आपको असाइनमेंट दी जाती है और टास्क करने के लिए बोला जाता है। सो नाउ इफ यू चेक आउट ओवर हियर होम अबाउट दिस कोर्सेज की ये दो पेजेस हो चुके हैं। यहाँ पे हम आज कुछ नए टॉपिक सीखेंगे। कल मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाए थे जैसे सोशल शेयरिंग बटन्स आप लोगों को समझ में आ चुके हैं, इंटरनल लिंक्स आपको समझ में आ चुकी है, इमेजेस वीडियोस कैसे ऐड किए जाते हैं वो अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है, ऑथर बॉक्स क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, पब्लिश डेट क्या होती है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, एंकर टेक्स्ट क्या चीज होती है ये भी मैंने कल कवर किया था। एंकर टेक्स्ट मतलब जिस टेक्स्ट को एक क्लिकेबल लिंक होता है उसे एंकर टेक्स्ट कहा जाता है, ये भी यहां पे मैंने कवर कर दिया था। अब यहां अगर आप देख रहे हो मैं आप लोगों को आज कुछ नए टॉपिक सिखाऊंगा। जैसे नए टॉपिक्स में यहाँ पे हम आज बात करेंगे स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा स्निपेट्स क्या चीज होती है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। HTML साइट मैप्स क्या होता है, 404 ब्रोकन लिंक एरर्स क्या होता है, इसके बाद आप लोगों को पेज स्पीड क्या होता है, पेज स्पीड चेक क्या होता है ये बात करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ये सब टेक्निकल टॉपिक से ज्यादा हाँ, उसके बाद यहाँ पे हम आज गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है, गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है, इसके अलावा टॉप लेवल डोमेन्स क्या होता है, TLD, CCTLD। हाँ अरे तुम्हें एक ग्रुप बनो ला ना, आले तो तीगे तत नया आले तो तीगे बनी इतने हैं। TLD, CCTLD डोमेन्स क्या होते हैं इन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को आज मतलब ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे गूगल ऑटो कंप्लीट ये क्या होता है, गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, अनुजा व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट, आप इंटरव्यू के लिए आई हो और आपको एक क्वेश्चन पूछ जाता है गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है, अपूर्वा जी क्या होता है गूगल ऑटो कंप्लीट फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, एनीवन हैज एनी गेसेस, सानिया नानदा, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, मोनिका, व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट, कोई भी आंसर दे नहीं पा रहा है यहाँ पे। ये गूगल सर्च ओपन कर लिया और गूगल सर्च ओपन करने के बाद मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डेटा साइंस, और डेटा साइंस टाइप करने के बाद आप लोगों को ये सजेशंस जो गूगल दिखा रहा है इन्हें कहा जाता है ऑटो कंप्लीट, क्योंकि वो आपका सेंटेंस कंप्लीट करके दे रहा है ना ऑटोमेटिकली, वो आपका कीवर्ड देख के आपको सजेस्ट करे कि आपको इसमें कुछ सर्च करना है क्या, तो इस चीज को कहा जाता है क्या, गूगल ऑटो कंप्लीट। यस नो क्लियर गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, खुशी, मोनिका, निकिता, सर, शुभम, यस यस ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज गूगल ऑटो कंप्लीट। अब उसके बाद व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है, ध्यान में रखिए आप सभी लोग, जब आप कोई भी वेबसाइट नया बनाते हो जैसे ये वेबसाइट आपने बनाया है लेकिन ये इसके पहले ये वेबसाइट हमें किसी दूसरे बैच को दिया था तो हम लोग इसको नया वेबसाइट नहीं कंसिडर कर सकते, लेकिन मान लीजिए आपने कोई नया वेबसाइट बना लिया जिसका नाम है www.abc.com, ये एक कंप्लीटली न्यू डोमेन बाय किया है आपने। हाँ ये डोमेन बाय करने के बाद में आपने इस वेबसाइट पे होम, अबाउट अस, कोर्सेज, हाँ ब्लॉग, ये सारे पेजेस बना दिए। अब ये वेबसाइट आपका ओपन करते हो, ये ब्राउजर है, ब्राउजर और सर्च इंजन में फर्क क्या है, ब्राउजर मतलब बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग वेबसाइट्स ओपन करते हो वो ब्राउजर होता है, और गूगल ये एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल ये एक सर्च इंजन मतलब गूगल भी एक वेबसाइट है, याहू भी एक वेबसाइट है, फेसबुक भी एक वेबसाइट है, लेकिन इनका हर एक वेबसाइट का एक थीम होता है, गूगल ये वेबसाइट है लेकिन ये क्या है
इसमें आता है सर्च इंजन में। यहाँ पे अगर आप फेसबुक देखोगे तो फेसबुक भी एक वेबसाइट है लेकिन वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे याहू, याहू भी एक सर्च इंजन है प्लस याहू एक न्यूज वेबसाइट भी है। वैसे ही यहाँ पे वेबसाइट अलग होता है और ब्राउजर अलग होता है। तो जब आप आपका वेबसाइट ब्राउजर में जाके टाइप करोगे www.abc.com और एंटर करोगे तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। लेकिन abc.com को अगर आप गूगल पे जाके सर्च करना शुरू करोगे तो जब कोई नया वेबसाइट बनता है वो वेबसाइट इमीडिएटली गूगल सर्च में दिखता नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? जैसे सानिया जी, सानिया आपका कोलवा में एक शॉप है जो आप रेंट पे देना चाहते हो। रेंट पे देने के पहले आप जब शॉप देगी देती हो रेंट पे तो आप थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करोगे ना किसको दे रहे हो, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड यस नो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। वैसे जब गूगल आपके वेबसाइट को यहाँ पे खुद के डेटाबेस में सेव करने के पहले क्या करता है आपके वेबसाइट को, या आइए आपका लाइट्स बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, सगा बंद कर दो, बस पंखा हवा है। अरे तुम्हें तो मतलब पंखा बंद कर, अच्छा सो गाइस यहाँ पे व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट होता है कि जब आप कोई नया वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट नया बनने के बाद वो वेबसाइट इमीडिएटली गूगल सर्च में दिखना शुरू नहीं होता है। उस वेबसाइट को गूगल एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते के लिए गूगल का बॉट। जैसे वेबसाइट पे कोई मालवेयर तो नहीं है, वेबसाइट पे कोई वॉर्म्स तो नहीं है, वेबसाइट पे कोई वायरस तो नहीं है, ये सारी चीजों को चेक करने के बाद गूगल को अगर लगता है, गूगल के बॉट्स को अगर लगता है कि ये वेबसाइट सेफ है तो फिर गूगल आपके वेबसाइट पे आके क्रॉल करना शुरू करता है, उसकी फोटोज लेना शुरू करता है और उस वेबसाइट को इंडेक्स करना शुरू करता है और खुद के डेटाबेस में सेव करता है। तो जब तक आपका वेबसाइट गूगल ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, दैट ऑब्जर्वेशन पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल व्हाट, सैंडबॉक्स इफेक्ट। क्या कहते हैं उसे? गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। सो गाइस गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या चीज होती है? गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट का मतलब होता है जब कोई नया वेबसाइट बनता है वो इमीडिएटली गूगल के सर्च में दिखता नहीं है, इस वेबसाइट को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाता है, दैट ऑब्जर्वेशन पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। यहां तक क्लियर सबको फ्रॉम द ऑनलाइन बैच ऑल्सो? यस सर। जैसे मैं टाइप कर रहा हूं और जैसे टाइप किया उसके नीचे देखिए आप लोगों को बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज गूगल ऑटो कंप्लीट। क्या कहते हैं इसे? ऑटो कंप्लीट। हाँ हाँ अब उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज एचटीएमएल साइट मैप ऑन अ वेबसाइट। वेबसाइट पे एचटीएमएल साइट मैप क्या होता है? साइट मैप ब्रेक किया तो साइट का मैप। क्या साइट का मैप? हम लोग मैप देखते नहीं, कि मैप देख रहे कहाँ पे, मतलब हम लोग नेविगेशन देखना चाहते हैं, हम लोग डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या है। वैसे ही यहाँ पे आप जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वेबसाइट पे एक मैप होता है जिसमें बेसिकली आपके वेबसाइट के सारे पेजेस एक ही जगह पे दिखते हैं आप लोगों को। जैसे इसमें दिख रहा है कि आपको मैप यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, एसेंचर। एसेंचर को ओपन कर लिया और देखिए एसेंचर पे आता हूं मैं, एसेंचर की साइट पे आ गया और इस साइट पे आने के बाद व्हाट वी डू, उस पर क्लिक किया तो क्या करते हैं वो लोग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंजीनियरिंग, ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज को? एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग सेक्टर। जैसे बैंकिंग क्या करता है एसेंचर? बैंकिंग के लिए आपको डेटा साइंस, आर्टिफिशियल चाहिए। जैसे आईसीआईसी बैंक बोलती है कि हमें AI यूज करना है हमारे कस्टमर्स के बिहेवियर को जानने के लिए, तो एसेंचर बोल सकते हैं यस हम लोग बैंकिंग, आईसीआईसी किसमें आ गया? बैंकिंग सेक्टर में आ गया। और उनको कौन सा काम चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, तो वो उनके लिए ये काम करके दे सकते हैं। तो ऐसे एसेंचर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करा है और कौन से इंडस्ट्रीज को वो सर्व करता है, ठीक है आपको? एरोस्पेस, अब एरोस्पेस मतलब क्या? फ्लाइट्स वगैरह उड़ती है, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स वगैरह यूज किए जाते हैं उसके लिए वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सारी डिटेल्स यहाँ पे, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी थिंक पे आने के बाद ये पेज है कोई, हु वी आर पे क्लिक किया मैंने तो ये देखिए ये सब लिंक्स आ रही, लीडर्स, लोकेशन, मीडिया रिलेशंस, ज्वाइनर्स, ज्वाइनर्स पे क्लिक किया मैंने और ये उनके सारे लिंक्स दिखाई दे रही है। अब ये सारी लिंक्स आप लोगों को अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इस वेबसाइट पे बॉटम में, मैंने बॉटम में स्क्रॉल कर लिया एट द बॉटम ऑफ द पेज और आप लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पेज दिखेगा क्या लिखा है, साइट मैप दिख रहा है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस वेबसाइट के इनसाइट्स में जितनी भी चीजें थी वो सब यहाँ पे दिख रही, दिख रहा है क्या? सर्विसेज में वो क्या प्रोवाइड करते हैं ये दिखाया था मैंने। हाँ, कौन से इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं वो सब लिंक्स यहाँ पे एक जगह पे ही है। हाँ, इसके बाद करियर्स दिख रहा हूँ, ज्वाइनर्स में ये सब लिंक्स है, एक्सप्लोर जॉब्स में ये सारी लिंक्स दिखाई दे रही है, अबाउट एसेंचर में ये सारी लिंक्स है। तो सारे
पेजेस मतलब जितने भी पेजेस एसेंचर पे हैं उन सारे पेजेस का लिंक्स के साथ कलेक्शन एक ही जगह पे, उसे कहा जाता है वेबसाइट का साइट मैप। क्या कहता है? साइट मैप। और ये जो साइट मैप जो वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे कहते हैं कौन सा साइट मैप? एचटीएमएल साइट मैप। कौन सा? एचटीएमएल साइट मैप। सो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज अ एचटीएमएल साइट मैप। गूगल ऑटो कंप्लीट समझ में आ रहा है आप लोगों को, गूगल सैंडबॉक्स समझ में आ रहा है। अब व्हाट इज टीएलडी एंड व्हाट इज सीसीटीएलडी? टीएलडी और सीसीटीएलडी में फर्क क्या होता है? टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स का मतलब क्या है? जो डोमेन्स एंड होता है .com, .edu, .gov, .org, .net, ऐसे डोमेन्स को कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन्स। लेकिन सीसीटीएलडी का फुल फॉर्म होता है कंट्री कोड। कौन सा? कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। जैसे .in, क्या समझ में आ रहा है ये आपसे? कहाँ का है? .ru, कहाँ का ये? .ru, रशिया। .fr, कहाँ से है? फ्रांस। .pk, कौन सा? डॉट ए, पाकिस्तान। अरब इमिरेट्स, अरब इमिरेट्स। डॉट ए यू, वेरी गुड, यस यस। पूछिए क्वेश्चन कोई सोम जी। सर वो एक जो साइट आपने बनाई थी वो सैंडबॉक्स इफेक्ट में कब तक रहती है? वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो उस वेबसाइट को गूगल सैंडबॉक्स कब तक, मतलब गूगल कब तक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है? नॉर्मली अगर देखोगे वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट सब सही है, तो 1-1.5 हफ्ते के बाद वेबसाइट गूगल सर्च पे दिखना शुरू होता है। हाँ, अगर आपने आपकी वेबसाइट के नाम से ही सर्च किया डायरेक्टली www.abc.com, www.abc.com पे सर्च कर लिया तो आपका वेबसाइट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली 1-1.5 हफ्ते के बाद निकलता है गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट के बाद। टॉप लेवल डोमेन समझ में आ रहा है? .com, .edu, .gov, .org, .net। और कंट्री कोड डोमेन्स कौन से होता है? जो डोमेन्स आपके कंट्री के एक्सटेंशन के साथ एंड होता है, उन्हें कहा जाता है सीसी। अब व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी गाइस? व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी? व्हाट इज कीवर्ड एंड व्हाट इज कीवर्ड फ्रेज? ये सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आप, मैं जैसे यहां पे मेरा जो, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सिखाता हूँ पुणे के लिए, तो मैं हमारा होम पेज है ना, होम पेज चाहता हूं कि कोई सर्च करे ना डिजिटल मार्केटिंग क्या कोर्सेस इन पुणे, किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पुणे, ये सारे कीवर्ड्स के लिए मेरा वेबसाइट, मैं चाहता हूँ गूगल के टॉप पोजीशन में आना चाहिए। और कौन सा पेज? हमारा होम पेज आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कीवर्ड क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया और देखा मैंने डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। और उसके बाद, उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरा कीवर्ड कौन सा, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, दूसरा कीवर्ड है क्लासेस इन पुणे। तीसरा जो कीवर्ड है मेरा, जो मैं लाना चाहता हूँ मेरा पेज, वो है, लेकिन मैंने देखा ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड को हर महीना 15,000 लोग सर्च करता है, इस कीवर्ड को हर महीना 5,000 लोग सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को भी 5,000, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये है, तो मैं इसको बना देता हूँ। कौन सा कीवर्ड? प्राइमरी, मतलब जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, प्राइमरी फ्रेम लोग वो मेरे लिए सेकेंडरी है, तो इनको मैंने बना दिया। कौन सा कीवर्ड? इनको दोनों को बना दिया सेकेंडरी। तो मैं, जब मेन फैक्टर्स होते हैं ना रैंकिंग के, मेन फैक्टर्स कौन से होते हैं? आपको पेज पे कीवर्ड कहाँ पे यूज करना होता है बताइए, पेज पे कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? अपूर्वा बोलिए, हम लोगों को अगर ये सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक करना है तो ये सारे कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज करना किया जाता है? टाइटल और बस, डिस्क्रिप्शन और H1, H1 सबसे बड़ा होता है। तो मैं प्राइमरी कीवर्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग टैग्स में। फिर ये दो कीवर्ड्स कहाँ पे, मुझे इन दो कीवर्ड्स के लिए भी रैंक करना है, इनको मैं कंटेंट के अंदर यूज कर सकता हूँ। लेकिन मेन प्राइमरी कीवर्ड को सबसे मेन जगह पे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, अगर जगह बची टाइटल में तो मैं क्लासेस ट्रेनिंग को भी ऐड कर दूंगा। लेकिन फिर कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, जब आप कोई भी पेज, जैसे आपका पेज है, एक पेज पे मैं इन सारे कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहता हूँ, तो फिर उस पेज पे मैंने मान लीजिए 1,000 वर्ड्स का कंटेंट लिख, कितना? 1,000 वर्ड्स का। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज होती है? कीवर्ड डेंसिटी मतलब 1,000 वर्ड्स में आप लोग आपके टारगेटेड कीवर्ड्स को कितनी बार यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि 2%, कितना? 2% नॉर्मली लोग यूज करते हैं टोटल कॉन्टेंट का। तो 1,000 वर्ड्स का 2% कितना होता है? 20।
20 टाइम्स मुझे ये कीवर्ड हमारे कंटेंट में यूज करना है। मैंने इस कीवर्ड को तो यूज कर लिया हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल में, हेडिंग में, लेकिन मैं अब डिवाइड ऐसे कर सकता हूँ, बाकी का कंटेंट बचा है, कंटेंट में मैं 20 बार यूज करने का मुझे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने 1000 वर्ड्स का लिखा है, तो 20 में से मैं इस कीवर्ड को 10 बार यूज करूंगा और इन दो कीवर्ड्स को कितनी बार, पांच पांच बार यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फोकस है कि इस कीवर्ड को ज्यादा हाईलाइट करना है और इस कीवर्ड को पेज रैंक होना चाहिए। तो लिमिट कितना है मेरे पास, 20 का। तो मैंने कैसे डिवाइड किया, डेंसिटी 10, 5 और 5। अगर मैंने कंटेंट 2000 वर्ड्स का लिखा तो 2% के हिसाब से कितनी बार यूज कर सकता हूँ, 40 टाइम्स। तो 40 में इसको 20, इसको 10 और इसको 10, ऐसे आप लोग यूज कर सकते हो। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आप लोग आपके एक पेज पे आपके टारगेटेड कीवर्ड्स को कितनी बार यूज कर सकते हो, उसके लिमिट को कहा जाता है कीवर्ड डेंसिटी। गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, जब कोई वेबसाइट नया बनेगा पूरा, तो वो इमिजिएटली गूगल सर्च पे नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाता है जो नॉर्मली 1-1.5 हफ्ते का होता है। उसमें गूगल आपकी वेबसाइट पे कोई स्पैम तो नहीं, आपकी वेबसाइट को जो लिंक्स आ रही है वो सारे लिंक्स रेलिवेंट वेबसाइट से है या नहीं, कोई टॉर्जन तो नहीं, कोई गैम्बलिंग तो नहीं, कोई कॉपीड कंटेंट तो नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। ये सब चेक करने के लिए गूगल आपकी वेबसाइट को 1-1.5 हफ्ते के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, दैट इज कॉल्ड एज सैंडबॉक्स। ऑटो कंप्लीट टाइप करते हो जो सजेशन आते हैं वो होता है ऑटो कंप्लीट। HTML समझ में आ रहा है, आपके वेबसाइट पे एक मैप होता है, बेसिकली नॉर्मली बड़ी साइट पे 25-50 पेजेस के ऊपर कोई वेबसाइट होगा उस पे एक मैप होता है HTML में, जिसमें आपके वेबसाइट पे जितने भी पेजेस है सारे पेजेस का कलेक्शन एक जगह पे होता है, वो होता है HTML साइट मैप। यहां तक सबको क्लियर फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? सोहम जी, खुशी जी, मोनिका, निकिता, यस सर, यस कीवर्ड डेंसिटी समझ में आ रही है आप लोगों को क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है आप आपके पेज के कंटेंट में कोई भी कोई आर्टिकल लिख रहे हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो प्रोडक्ट को जो लोग सर्च करते हो उन कीवर्ड्स के लिए अगर आपको आपका पेज रैंक करना है, तो वो कीवर्ड्स को आपके पेज में कितनी बार आप यूज कर सकते हो उसका एक लिमिट होता है। आपके टोटल पेज के कंटेंट के 2-3% मैक्स, उससे ज्यादा बार यूज करोगे तो स्पैम में काउंट हो सकता है, स्पैम में, और रैंकिंग ऊपर आने की जगह रैंकिंग ड्रॉप हो सकता है। अब यहां पे आने के बाद व्हाट इज कीवर्ड गाइस, कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड फ्रेज में फर्क क्या होता है? इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन एंट्री लेवल पे पूछा जा सकता है, कीवर्ड और कीवर्ड फ्रेज में फर्क क्या है। जैसे मारुति कार या फिर कार, एक सिंगल वर्ड को भी कीवर्ड कहा जा सकता है, सिंगल वर्ड को भी कीवर्ड जा सकता कहा जा सकता है, लेकिन मारुति कार डीलर्स, डीलर्स इन पुणे, जब कोई कीवर्ड्स 3 से 4 वर्ड्स का एक फ्रेज बन जाता है उसे कहा जाता है कीवर्ड का फ्रेज। तो कभी कभी 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स मिला के एक फ्रेज बना है, इसे कहा जाता है कीवर्ड फ्रेज। दोनों भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, लेकिन ये भी कीवर्ड है और ये भी कीवर्ड है, लेकिन ये की फ्रेज है और ये सिर्फ कीवर्ड है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड या 3 से ज्यादा वर्ड्स को की फ्रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? की फ्रेज। अब यहाँ पे कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या चीज होती है? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे इन सारे कीवर्ड्स को रैंक करना चाहता हूँ, ये सारे कीवर्ड्स अभी आप गूगल पे सर्च करोगे, हाँ, और हमेशा इनकॉग्निटो विंडो में सर्च करना है। क्यों? क्योंकि इनकॉग्निटो विंडो में आपको हिस्ट्री सेव नहीं होता है, तो आपको लेटेस्ट जो रिजल्ट है वो दिखता है। लोग ऐसे भी सर्च करते हैं, बगड़ी तो ये सारे कीवर्ड्स के लिए अभी आप लोग में से कोई भी यहां पे आ सकता है, आ सकते हो आप दोनों में से कोई भी, आइए पूजा या फिर आर्या, ये हर एक कीवर्ड आपको क्या करना है, आपको मोजिला ओपन करना है, इसमें जाके क्या बोलना है, प्राइवेट विंडो, हर एक कीवर्ड को जाके गूगल में सर्च करना है, और वो कीवर्ड के लिए हमारा वेबसाइट गूगल के ऑर्गेनिक में, एड में नहीं, लोकल लिस्टिंग में भी नहीं, ऑर्गेनिक में कौन सी पोजीशन पे वो बताना है। टास्क शुरू होता है अभी आपका, मैं गोली खा लेता हूँ। हाँ हाँ
अच्छा सेकेंड होता सेकेंड वीक सो जे लिए नहीं मतलब अगर ने स्पॉन्सर तो फिर भी काफी कोशिश गाइस ये देखिए कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकाला है आपने। ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट से आप लोगों को समझ में आता है आपका प्रोग्रेस कि आपका वेबसाइट अभी गूगल में, आप जिन कीवर्ड्स के लिए आपका पेज रैंक करना चाहते हो उन कीवर्ड्स के लिए आपका वेबसाइट अभी गूगल पे कहाँ पे है। तो दिखाई दे रहा है, कोर्सेज के लिए फर्स्ट, ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट, इंस्टीट्यूट के लिए फर्स्ट, प्लेसमेंट के लिए भी फर्स्ट आ गया, लाया हमने वापस, इसके लिए सेकंड सेकंड ये भी आ गया ना फर्स्ट पे, तो मस्त काम हो जाएगा क्योंकि यही सर्चेस ज्यादा होता है। तो ये है कौन सा रिपोर्ट, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। अब यहाँ पे ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट अगर आप देखोगे, अब मुझे इन सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक करना है वेबसाइट, कौन से कीवर्ड्स के लिए, नवी मुंबई के लिए। तो नवी मुंबई के लिए अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो पुणे की जगह नवी मुंबई सर्च करता है, नवी मुंबई। रिक्वेस्ट टू स्विच द स्क्रीन क्या हुआ स्क्रीन को, सो स्क्रीन को नहीं स्टॉप लैपटॉप की जा रही, स्क्रीन ये दिख रही अभी दिख रहा है? अच्छा है यस सर तो इसके पहले स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्या आपको? नो सर अभी फॉर लास्ट पास्ट 5 मिनट्स इट वाज नॉट विजिबल कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट देखा नहीं क्या आपने, कैसे निकला? से देखा बट आफ्टर ट्रेनिंग वो स्क्रीन स्विच हो गया था अच्छा ट्रेनिंग, हाँ। तो ये हर एक कीवर्ड को हमने कॉपी किया और हर एक कीवर्ड को कॉपी करके गूगल के सर्च पे पेस्ट किया और उस कीवर्ड के लिए हमारा रैंकिंग गूगल में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे रिमार्केटिंग कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट कौन सा कीवर्ड है, रिमार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, स्क्रॉल किया कहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया रिमार्केटिंग कोर्स इन पुणे विद प्लेसमेंट, इसके लिए कहाँ पे फर्स्ट है, ऐसे उसका रैंकिंग डाला। अब यहाँ पे मुझे देखना है नवी मुंबई के लिए कहाँ है, नवी मुंबई के लिए मेरा एक सेपरेट पेज है, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज होना चाहिए, वैसे हमारा भी हर एक कोर्स के लिए हर एक लोकेशन के लिए एक सेपरेट पेज बना के हमने यहाँ पे रखा है।
ये नवी मुंबई के लिए रैंकिंग चेक करता है, नवी मुंबई के लिए आई कॉपी दिस कीवर्ड भैया, कम टू गूगल सर्च और ये पेस्ट कर दिया, आई एम स्किल फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, स्क्रॉल कर लिया यहाँ पे देखोगे सेकंड एमसीडीए थर्ड अनुभव फोर्थ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया विच पोजिशन फोर्थ, मतलब ये पेज को रैंक करना है अभी। ट्रेनिंग के लिए नवी मुंबई के लिए कहाँ पे हम कंट्रोल बी पेस्ट कर दिया, ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे इसके लिए इस कीवर्ड के लिए देखता है रैंकिंग कहाँ पे, इंस्टीट्यूट से नवी मुंबई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, बाप रे सिक्स्थ, और प्लेसमेंट के लिए कहाँ पे हम नवी मुंबई के लिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब देख रहे हो आप लोग, तो नवी मुंबई का रैंकिंग इंप्रूव करना जरूरी है क्योंकि पुणे का रैंकिंग तो अच्छा खासा आ चुका है, आप लोग पुणे के रैंकिंग को चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम कीवर्ड्स के लिए भी आर ऑन द फर्स्ट पोजीशन, लेकिन नवी मुंबई भी आर ऑन द फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स, तो गूगल सर्च में विजिबिलिटी आपको तब बढ़ेगा ना जब आपका टॉप थ्री में आएगा, फोर्थ के नीचे लोग ज्यादा देखते नहीं, टॉप थ्री में अगर दिखता है आपका वेबसाइट तो आपको विजिबिलिटी अच्छा मिलता है, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट माई नवी मुंबई पेज कम्स इन टू द टॉप थ्री पोजिशन। तो फिर अब ये टॉप थ्री पोजिशन मिलाने के लिए इस पेज का पूरा ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर देखूंगा मैं, नवी मुंबई ये कीवर्ड जो है ये टाइटल डिस्क्रिप्शन हमारे पेज के H1 H2 कंटेंट में सब जगह पे यूज हुआ है क्या, ये भी चेक करना है मैं आपको, ऑडिट भी क्या होता है वो दिखा होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को TLD CCTLD समझ में आ चुका है, व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी समझ में आ चुका है, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को अब कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड फ्रेज क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, कीवर्ड्स 3 to 4 कीवर्ड्स, मोर देन 3 to 4 कीवर्ड्स मेक्स अ फ्रेज। अब यहाँ पे आप लोगों को हम बताएंगे HTML साइट मैप भी हो चुका है, स्कीमा क्या होता है गाइस, स्कीमा चीज क्या होती है, गूगल सर्च में देखिए बहुत कंपटीशन होता है, यूजर को हम फोर्स नहीं कर सकते यहाँ पे क्लिक करो वहां पे, उसको जो रेलेवेंट लगेगा, उसको जो जो लिस्टिंग रेलेवेंट लगेगा वो वहां पे क्लिक करता है बराबर, तो स्कीमा एक क्या चीज होती है, स्कीमा का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोन सर्च कर लिया सैमसंग, सैमसंग का कोई भी फोन, सैमसंग कोटला, सैमसंग स्पेलिंग, सैमसंग अल्ट्रा S24, मैंने ये फोन सर्च कर लिया सैमसंग अल्ट्रा S24 और मैं ये देख रहा हूँ, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एड चल रही है, इसे प्रोडक्ट लिस्टिंग एड कहा जाता है या फिर शॉपिंग एड। मैंने स्क्रॉल कर लिया, सैमसंग का खुद का भी एड चल रहा है ये देख सकते हो, सैमसंग स्पॉन्सर्ड, और उसके बाद ये सैमसंग का ऑर्गेनिक लिस्टिंग आ रहा है, ये सैमसंग ही है, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ GSM एरिना, यहाँ पे टॉप स्टोरीज में न्यूज में कहाँ कहाँ पे सैमसंग मेंशन हुआ है वो दिखा रहा है, स्क्रॉल करने के बाद सैमसंग सैमसंग अच्छा फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट यहाँ पे अमेजोन खुद भी एड रन कर रहा है उनके लिए, और फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखोगे ना तो ये आपके पेज का टाइटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है आपके पेज का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेटिंग्स और रिव्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत बार यूजर रेटिंग रिव्यू देख के क्लिक करता है आपकी लिस्टिंग पे, मतलब उसके सामने 5 लिस्टिंग्स होगी और उसमें एक लिस्टिंग पे रिव्यू रेटिंग दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, तो उसको इन्फॉर्मेटिव लगता है और वो उधर क्लिक करने का चांसेस बढ़ जाता है, तो ये जो होता है ये स्कीमा के थ्रू लाया जाता है, ये रियल रियल रेटिंग्स रिव्यूज नहीं होता है, इसके लिए एक स्क्रिप्ट होता है जो आपको उस पेज पे ऐड करना पड़ता है, और वो स्क्रिप्ट सर्च इंजन ने पढ़ लिया तो वो रेटिंग्स और रिव्यूज आपका दिखाना शुरू करते हैं क्योंकि वो स्क्रिप्ट में आपने रिव्यूज और रेटिंग्स दिए होता है, तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन सर्च कर लिया सैमसंग अल्ट्रा S24 ऑनलाइन, और अब देखिए यहाँ पे क्रोमा रैंक कर रहा है, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं रिलायंस अमेजोन सैमसंग का खुद का भी लिस्टिंग आ रहा है, देखो रेटिंग्स वोट्स और LVP क्या ये कुछ प्राइस क्या पता नहीं, मैं कोई दूसरे कोर्स के लिए दिखा रहा हूँ या फिर दूसरे किसी फोन के लिए, एप्पल iPhone 14 Plus, ये देखिए आप लोग चेक कर सकते हो, फ्लिपकार्ट ने वापस यहाँ पे स्कीमा यूज किया है, तो ये स्कीमा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आई एम स्क्रोलिंग डाउन गाइस, गैजेट्स 360 रेटिंग्स रिवॉर्ड्स प्राइस और इन स्टॉक,
ये इंफॉर्मेशन, ये एक प्रोडक्ट स्कीमा है। मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे रिच डैड पुअर डैड बुक। हाँ, रिच डैड पुअर डैड ये बुक सर्च कर लिया मैंने। रिच डैड पुअर डैड का बुक जो है, ये बुक बहुत जगह पे अवेलेबल है। ये देखो रेटिंग्स रिव्यूज, ये भी एक प्रोडक्ट स्कीमा हो गया। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ रेसिपी फॉर मशरूम मसाला। रेसिपी फॉर मशरूम मसाला सर्च करने के बाद आपको ये दिखेगा रेटिंग्स रिव्यूज, कितना मिनट लगेगा और ये बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। क्रीम, मशरूम, गरम मसाला, जिंजर, बटर, दिख रहा है? ये जो है ये स्कीमा है। लेकिन ये कौन सा स्कीमा है? ये है रेसिपी स्कीमा। पुटला रेसिपी स्कीमा। यहाँ पे आके मैंने सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो एक्सलर यूज करा है, रेटिंग्स वोट्स। हाँ, ये प्रोडक्ट नहीं है, एक कोर्स है, इसे कोर्स स्कीमा कहा जाता है। तो ऐसे स्कीमा में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट स्कीमा, रेसिपी स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया समथिंग लाइक एसेंचर, एसेंचर कंपनी के बारे में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है उनके। हाँ, सोशल अकाउंट्स के प्रोफाइल्स लिंक्स यहाँ पे आपको दे रही, सीईओ दिखाई दे रहा है। ये तो स्कीमा गूगल एक्चुअली विकिपीडिया से पुल करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा दिखाई दे रहा है आपको। देखो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ, उसका स्टॉक प्राइस आज क्या है दिखाई दे रहा है क्या, सब कुछ आपको यहाँ पे, रेवेन्यू कितना है उनका। ये आप जो देख रहे हो ये है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। ऐसे बहुत सारे स्कीमास आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जो आप लोग आपके प्रोडक्ट के हिसाब से यूज करते हो, उन्हें कैसे यूज करना है मैं ये आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को गूगल के सर्च में जो भी रिव्यूज रेटिंग्स दिखता है वो रियल नहीं होता है, वो एक जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू आप लोग आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज रेटिंग, स्टॉक में प्राइस, ये सब दिखा सकते हो। HTML आप लोगों को समझ में आया? HTML नॉर्मली आपके जो डेवलपर्स होता है वो आपको HTML साइट मैप्स क्रिएट करके वेबसाइट पे ऐड करता है। अब 404 ब्रोकन लिंक एरर क्या चीज होती है? 404 ब्रोकन लिंक एरर का मतलब होता है कोई ऐसा लिंक हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करें जो है ही नहीं। जैसे यहाँ पे google.com/पूजा, पूजा ऐसे पेज है ही नहीं और क्या एरर आ गया 404। यहाँ पे आके मैंने सर्च कर लिया अपूर्वा 404, क्योंकि ये पेज है ही नहीं। तो ऐसे पेज को एक्सेस करने जाते हो तो आ जाता है एरर। अभी ये है आपका वेबसाइट, कहाँ गया आपका वेबसाइट? आपके वेबसाइट पे ये कौन सा पेज है? योगा क्लासेस इन पुणे का पेज है, बराबर है? इसको मैंने कॉपी कर लिया और वेबसाइट पे मैं अभी क्या करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। वेबसाइट पे लॉग इन करने के लिए WP एडमिन कर ही बोला था आपको, यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यूजर आईडी है डिजिटल, पासवर्ड है पुणे का पी कैपिटल @#123। लॉग इन कर लिया और अब मैं आपके पेजेस पे आता हूँ, इन पेजेस पे आ गया। पेजेस पे आने के बाद मैंने आके यहाँ पे योगा के पेज को क्या कर दिया, क्या कर दिया योगा पेज को? थ्रैश पेज हैज बिन। अब ये पेज का लिंक मेरे पास अभी भी है और मैं इस पेज को अब एक्सेस करने जाता हूँ। ये देखिए पेज को एक्सेस करने जा रहा हूं और अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है ब्राउजर से। गाइस, द पेज कांट बी फाउंड। क्यों क्यों? क्योंकि पेज डिलीट हो चुका है ही डिलीट नहीं। तो फिर उस समय ये जो टाइप का एरर होता है इसको आप लोग बोल सकते हो पेज नॉट फाउंड या फिर ब्रोकन लिंक। इसको पेज नॉट फाउंड भी बोला जाता है। अब ये पेज कोई एक्सेस करने जाता है किस, जहां पे भी इस पेज का लिंक होगा, अभी भी पुराना कहीं पे आपने मेंशन किया था इस लिंक को और ये लिंक अभी भी कहीं ना कहीं है। तो अभी कोई जब इस पेज को एक्सेस करने जाना चाहता है ना, तो आप उसको सीधा ना आपके कौन से पेज पे लेके आना चाहते हो, कौन से पेज पे लेके आना चाहते हो? होम पेज। तो फिर इस चीज को कहा जाता है, कहा क्या जाना जाता है इसको, करना है उसको व्हाट, क्या करना, रिडायरेक्ट करना। तो फिर ये रिडायरेक्शन भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। इसके लिए आप लोग आपके वेबसाइट पे आके क्या ऐड करना है, प्लगइन्स, ऐड व्हाट, न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन बोलने के बाद यहाँ पे रीडायरेक्शन,
सर्च करो और ये देखिए आपको मिल चुका है प्लगइन जिसका नाम है इंस्टॉल। इंस्टॉल कर लिया है मैंने ये प्लगइन। अरे होने के लिए जरा टाइम दे रहा है ये। रुकिए जरा, आलेगा मुंबई ले जाऊँ? थोड़ी चलते मुंबई, मुलुंड ले ऑफिस से। मुलुंड वेस्ट को दे दे, तुम्हें कुछ मुलुंड वेस्ट लाओ इसला वेस्ट को दे ऑफिस से। स्टेशन जब बाहर आने की मैकडॉनल्स इसको तुम्हारा मैकडॉनल्स से पुणे के लिए आईडीबीआई बैंक की थी। तो ये रीडायरेक्शन का प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आते हैं हम लोग टूल्स में। क्या आ गया दिख रहा है आपको सबको? रीडायरेक्शन। अब जब भी आप कोई भी प्लगइन पहली बार इंस्टॉल करते हो तो उसका सेटअप होता है। मैंने यहाँ पे आके बोला स्टार्ट सेटअप, कंटिन्यू और फिनिश सेटअप। सेटअप हमारा हो चुका है, कंटिन्यू बिगिन। ये ऐसे आपको प्लगइन दिखेगा। जब भी आपको कोई रिडायरेक्शन करना है तो आप सीधा टूल्स पे आके बोल सकते हो रिडायरेक्शन और ऐसा विंडो आपके सामने आएगा। तो ऐड न्यू रिडायरेक्शन बोलोगे तो ये ऐसे दिखेगा। सोर्स यूआरएल, सोर्स मतलब कौन सा यूआरएल? जो आपका ब्रोकन है, पेज जिसको एरर आ रहा है। इसको एरर आ रहा है ना, इसको कॉपी करके ऐड कर दिया। यहाँ कौन से पेज पे लेके जाना है वो होता है आपका कौन सा पेज? टारगेट। होम पेज पे लेके जाना है तो होम पेज का लिंक डाल दिया यहाँ पे। और रीडायरेक्ट में भी टाइप होता है, ये स्टार पे क्लिक करोगे तो ये कौन से टाइप का रीडायरेक्शन है? 301 मूव्ड व्हाट परमानेंटली। ठीक है, ये पेज पे 404 एरर आ रहा है। 404 मतलब एक वेबसाइट को एरर है। जितना ज्यादा एरर्स होगी वेबसाइट को उतना आपका वेबसाइट रैंक होने में आपको दिक्कत आती है। तो ये पेज कोई एक्सेस करने जाएगा, ये पेज अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको रिडायरेक्ट कर दो अभी के लिए, फॉर द टाइम भी आपके होम पेज पे कर दिया। और बोल दो ऐड व्हाट। अब कोई भी बंदा इस पेज को एक्सेस करने जाता है वापस, उसके पास लिंक है। या फिर मान लीजिए हम ये योगा क्लासेस चलाते हैं, हमने एक महीने पहले 1000 लोगों को व्हाट्सएप किया था कि आपको अगर योगा ज्वाइन करना है तो हमारे इस लिंक को ऐड यूज, और कुछ रीजन के लिए हमने योगा क्लास का पेज डिलीट कर दिया। इन लोगों के पास व्हाट्सएप पे अभी भी वो लिंक है ना, तो लोग को ये जैसे यहाँ पे है अनुज, अनुज ने एक महीने किया तो उनका व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, हाँ योगा का लिंक है, चल योगा देखते हैं मुझे लगाना है। तो योगा की क्लास के पेज पे क्लिक किया तो पेज नॉट फाउंड एरर आ रहा है। लेकिन अभी उसके बाद हमने क्या किया, अभी रिडायरेक्शन दे दिया। और अभी कोई योगा क्लासेस इन पुणे के पेज को एक्सेस करना जाएगा तो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? आपके होम पेज पे आ गया, रिडायरेक्शन कर दिया है, 404 एरर चला गया बिकॉज ऑफ व्हाट? रीडायरेक्शन। अब यहाँ पे मैंने जो रिडायरेक्शन दिखाया है आपको, हमारे ही वेबसाइट से हमारी पेज पे गया। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार न्यूज डॉट इन, याद है क्या स्टार न्यूज डॉट इन? मैं स्टार न्यूज डॉट इन ओपन करने जाता हूँ और स्टार न्यूज डॉट इन एक्सेस करने जा रहा हूं मैं। ये लिंक आपके सामने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सेस स्टार न्यूज डॉट इन और ओपन हो रहा है कौन सा चेक करता है। अरे इतनी देर क्यों लग रहा है ये स्टार न्यूज डॉट इन? फिर यहाँ पे लिखते स्टार न्यूज डॉट इन, एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, बहुत टाइम ले रहा है, तब तक मैं दूसरा कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। fb.com क्या टाइप किया मैंने? fb.com एंटर करने के बाद कहाँ पे गया? मैंने टाइप किया था क्या? मैंने टाइप किया था fb.com। fb.com टाइप करके ये चला गया facebook.com पे। दोनों डोमेन्स अलग है तो fb.com से रिडायरेक्शन कहाँ पे किया है? facebook.com पे। तो ये जो डोमेन रिडायरेक्शन है ये डोमेन टू व्हाट? डोमेन याद है ना क्या होता है? डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, डोमेन टू डोमेन रिडायरेक्शन। लेकिन ये जो था ये हमारा इंटरनल रिडायरेक्शन था, हमारी वेबसाइट से हमारे ही दूसरे किसी पेज पे हमने क्या किया। तो रीडायरेक्शन आप लोग कब यूज कर सकते हो? जब आपके वेबसाइट पे इंटरनल क्या आते हैं, कौन से एरर्स, तो वैसे पेजेस को आप लोग बाकी के किसी दूसरे रेलेवेंट पेज पे क्या कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो। इसे कहा जाता है रीडायरेक्शन। स्कीमा समझ में आ रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गूगल के सर्च पे आती है, रिव्यूज, रेटिंग्स, स्टॉक में है यानी प्राइस, उसको स्कीमा कहा जाता है। पेज स्पीड गाइस, गाइस
आपके वेबसाइट का कभी स्पीड नहीं होता है, हर एक पेज का स्पीड अलग होता है। जिस पेज पे जितना ज्यादा फंक्शनलिटी, बटन्स, जितना ज्यादा जावास्क्रिप्ट, उतना हैवी वो पेज हो जाता है। पेज स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है एसईओ का। आपके वेबसाइट का पेज स्पीड अगर बहुत ज्यादा है, आपका पेज ओपन होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो ये आपका रैंकिंग बहुत हैम्पर कर सकता है। तो पेज स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या रीजन, सबसे पहले तो आपका सर्वर, मतलब जहां से आपने होस्टिंग बाय किया है वो सर्वर कितना फास्ट है, ये डिपेंड। दूसरी चीज, आप लोग आपके पेज पे जितनी ज्यादा हाई डेफिनेशन इमेजेस यूज करोगे, उतना ज्यादा इमेजेस का साइज बढ़ा, एचडी इमेजेस। अगर आपने डिल किया, कल आपने क्या किया था, यहाँ पे एक वीडियो यूट्यूब से लिया और उसका लिंक यहाँ पे शेयर किया, लेकिन आपने रॉ वीडियो अगर आपके वेबसाइट पे अपलोड किया तो वो वीडियो आपकी वेबसाइट पे रहेगा, लोड होने के लिए आपकी वेबसाइट पे बफर होगा। तो रॉ वीडियोज, अगर आप लोग रॉ वीडियो मतलब वीडियो अपलोडिंग किया वेबसाइट के पेज, आपने आपके डायरेक्टली पेज पे अपलोडिंग, वीडियो अपलोडिंग ऑन योर पेज, नॉट द लिंक, क्योंकि कल जो मैंने लिखा था ना, वो वीडियो आपने कहाँ पे था, वो वीडियो यूट्यूब पे था, और यूट्यूब का वीडियो आपने सिर्फ यहाँ पे शेयर किया था, मतलब बफर हो रहा था यूट्यूब पे, जगह वो यूट्यूब का खा रहा था। तो आपने अगर खुद का ही वीडियो, एड मीडिया में आपको वीडियो भी अपलोड करने आता है, एड मीडिया में डायरेक्टली जाके वीडियो अपलोड कर दिया, तो आपका पेज का स्पीड बहुत मार खाएगा। उसके बाद में बहुत सारे अननेसेसरी प्लगइन्स, क्योंकि प्लगइन्स जो होते हैं ना, जो प्लगइन्स लग नहीं रहे ना आपको, जो प्लगइन्स लगते नहीं है, उन्हें प्लीज आप लोग डिलीट कीजिए, क्योंकि प्लगइन्स किस में बने होते हैं, जावास्क्रिप्ट में बने होते हैं, और जावास्क्रिप्ट भी बहुत आपकी वेबसाइट का पेज का स्पीड खाती है। ठीक है, उसके बाद आपके वेबसाइट पे जितना ज्यादा आप लोग एनिमेशन यूज करते हो, नहीं क्या एनिमेशन, सीएसएस वगैरह, जिसको सीएसएस के थ्रू किया जाता है, ये भी आपके वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम बहुत खाती है। तो ये सब चीजें आपके नॉर्मली डेवलपर्स को पता होता है, या फिर आपके जो कोडिंग, कोड किया आपने, कोडिंग किया है पेज पे, पीएचपी में वेबसाइट बनाया है, एंगुलर जेएस में बनाया है, जो भी लैंग्वेज में बनाया होगा आपने, उसमें बहुत ज्यादा एरर्स है, तो ये भी रीजन हो सकता है आपके पेज का लोडिंग टाइम बढ़ने का। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई योर पेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड। तो अब यहाँ पे इसमें से एग्जैक्टली एरर सर्वर का है, या इमेज का है, या वीडियो का है, या प्लगइन प्रॉब्लम कर रहा है, या सीएसएस प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर आपका कोड प्रॉब्लम कर रहा है, ये कैसे आप लोगों को समझ में आता है, इनके लिए होते हैं ऑनलाइन टूल्स, जिसमें जाके आप लोग आपके वेबसाइट का पेज स्पीड चेक कर सकते हो। पेज स्पीड इंसाइट्स मैंने सर्च कर लिया, और यहाँ पे आपको गूगल का खुद का ही वेबसाइट दिखा रहा है, लेकिन सबसे पे क्या ये तो नहीं, मैं ये दिखाता हूँ आज के दिन में सबको, पेज स्पीड इंसाइट्स के लिए कौन सी वेबसाइट है, जीटी मैट्रिक्स। तो जीटी मैट्रिक्स इस वेबसाइट पे आप लोग आ सकते हो, ये देखो पेज स्पीड फाइंड एंटर पे वेब पेज। अब मैं आपके वेबसाइट का पेज ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये टूल आपको बता देता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे, ये जीटी मैट्रिक्स दिख रहा है, एंटर टेस्ट योर साइट, दोनों जगह पे ऐड किया मैंने, यहाँ पे भी ऐड किया, और वो दोनों वर्जन दिखाता है आपको, मोबाइल और व्हाट, मोबाइल पे क्या इशू, डेस्कटॉप पे क्या इशू। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ना, ये आपको समझ भी नहीं आएगी, लेकिन आपके जो डेवलपर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो ये सब चीजों को यूज करता है। वो बोल रहा है आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस जो है वो मोबाइल पे 81% एक्सेसिबिलिटी, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए बहुत इजी जा रहा है, 95% स्कोर है आपका, एसईओ का स्कोर भी 92 है, डेस्कटॉप का स्कोर भी देखो वो बता रहा है अच्छा खासा है। क्यों गाइस पता है क्या, क्योंकि ये आपका एक पूरा नया वेबसाइट है, मैंने कल ही बताया था नया वेबसाइट पे कोई ज्यादा कॉन्टेंट नहीं होगा, उसीलिए आपको वेबसाइट का इशू नजर नहीं आ रहा है। मैं हमारे खुद की वेबसाइट पे चेक करना चाहता हूँ, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और बोल दिया एनालाइज। अब एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ, कोर वेब वाइटल असेसमेंट फेल बोल रहा है वेबसाइट, वापस चेक करता हूँ, टूल में कहीं कुछ एरर आ रहा है, साइट यूजेस गूगल किस फ्रॉम गूगल टू डिलीवर द सर्विस, ओके। अब एलसीपी फर्स्ट इनपुट डिले क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट्स, ये कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों कहाँ को दे, सर क्या दे? और इसकी वजह से आ रहा है क्या, सर चलो देखते हैं और रन टेस्ट करते हैं। फिर सर जेड मुझे क्या कुछ जेड सर और देखिए, ये पूरा टेक्निकली गाइस, जिसमें आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि ये सेकंड में दिखा रहा है कि आपका पेज
पेज का पूरा लार्जेस्ट जो कंटेंट है वो लोड होने के लिए 3.3 सेकंड ले रहा है। हाँ, उसके बाद में फर्स्ट इनपुट डिले वो सेकंड लोड होने के लिए 20 सेकंड मिली सेकंड ले रहा है। उसके बाद में आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट लोड होने के लिए 2.8 सेकंड ले रहा है। ऐसे करके वो आपको यहाँ पे भी स्कोर दिखा रहा है, मेरे वेबसाइट का स्कोर दिखा रहा है, वो मोबाइल पे 69% स्कोर है, 69% स्कोर है। डेस्कटॉप के लिए देखता हूँ तो कितना है, 67 है गाइस। बोल रहा है एसईओ का स्कोर आपको 92 दिया गया है डेस्कटॉप के लिए, और मोबाइल के लिए 88। यही तो प्रॉब्लम, मोबाइल के लिए तो मेरा वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है, उससे तो मोबाइल पर रैंकिंग दिखता नहीं है ठीक तरह से, सेकेंड थर्ड पे आता है वेबसाइट को एक्सेसिबिलिटी। अब ये सब चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो ये इट्स बेटर दैट योर डेवलपर्स हैंडल दिस, लेकिन इसमें आप लोगों को ना वो ये देखिए क्या बता रहा है, व्हाट डायग्नोसिस, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एलिमेंट, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है आपको। तो फिर ये क्या है, अब ये एक लैंग्वेज है जो डेवलपर्स बहुत इजीली समझ सकता है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ लिया ना तो उनको बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे सॉल्व करना है। मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस, अवॉइड एन एक्सेसिव डीओएम साइज, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा ले रहा है, अवॉइड लॉन्ग मेन थ्रेड्स, अवॉइड लार्ज लेआउट शिप्स, इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम में भी कुछ इश्यू नहीं है इतना कुछ, क्योंकि जो इश्यूज है ना मेन उनको एकदम रेड कलर में दिया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि एग्जैक्टली इश्यू कहाँ पे है, वैसे वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रॉब्लम्स आपके वेबसाइट पे कहाँ पे। तो ये एक डेवलपमेंट पार्ट है, क्योंकि आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डी वॉट क्या लिखा है, वी डेवलपर। तो ये डेवलपर्स का टूल है, तो आप लोग जब बोलोगे डेवलपर्स को कि वेबसाइट का पेज का लोडिंग टाइम, आपको ये ध्यान रखना है परफॉर्मेंस जो है ना मोबाइल के लिए शुड बी अबाउट 75 एंड डेस्कटॉप शुड बी अबाउट 90। कितना, मोबाइल के लिए डेस्कटॉप शुड बी, मोबाइल के लिए आपका 75 तक जाएगा तो चलेगा, लेकिन डेस्कटॉप के लिए इट शुड बी अबाउट 85-90, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये डेवलपर को बोलो कि वह मुझे ये सब सॉल्व करके ही चाहिए, ये देखो ये सब डेस्कटॉप के देख रहे हो अब ज्यादा एरर्स है, कैन सी, ये सब सॉल्व करके चाहिए आपको, भले ही नहीं आता रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है कि ये स्कोर को कहाँ पे लाना है, 85 के ऊपर, तब तक डेवलपर को बोलिए मुझे सॉल्व करके दीजिए, डेवलपर करेगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ काम आपको करवा के लेने होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या देखना होता है। तो पेज स्पीड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर रैंकिंग फैक्टर्स, हाँ ये ध्यान में रखना है आप लोगों। अब यहाँ पे ये गूगल सर्च, मैंने गूगल सर्च में टाइप कर लिया जैसे क्या, सैमसंग हेडफोन्स वायरलेस, आपके सामने ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये बता देता हूं, ये होते हैं शॉपिंग एड्स, ये होता है ऑर्गेनिक। मैं यहां पे सर्च करता हूं डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे और एंटर करता हूं, ये जो आ रहा है आपके सामने विद एड्रेस वगैरह सब कुछ, ये लोकल लिस्टिंग होता है, ये ऑर्गेनिक हो गया। यहां पे सर्च करता हूं 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी और एंटर करता हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी लोकल लिस्ट है, ये भी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। यहाँ पे अगर देखता हूँ यहाँ पे ये देखिए ये है आपकी एड्स। तो गूगल सर्च में आप लोगों को स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिखता है, मतलब आपको दिखाई देती है शॉपिंग एड्स, आपको दिखाई देती है सर्च एड्स, आपको दिखता है लोकल लिस्टिंग, और उसके बाद में आता है क्वेश्चन उसका लुक, ऑर्गेनिक सर्चेस, कौन से ऑर्गेनिक, ये देखो ये ऑर्गेनिक सर्चेस है। अब बीच में आपको ये भी आ रहा है, देखो पीपल ऑल्सो आस्क विच एरिया इज द बेस्ट टू लिव नियर हिंजवाड़ी पुणे। अब ये क्वेश्चन जो है ये कौन सी वेबसाइट से उठाया उसने, कौन सी, कोरा। तो गूगल ये क्वेश्चंस भी दिखाता है, उसको लगता है कि ये कीवर्ड के लिए लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, तो वो जिन जिन वेबसाइट पे इस टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं वो भी पुल करके यहाँ पे दिखाना शुरू करता है, ये गूगल का खुद का फीचर है। तो आप लोग भी आपके वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे किसी सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, हाँ कोर्सेस इन पुणे, सर्च करने के बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को अपना साइट दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है व्हाट इज द फीस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, और ये आर्टिकल किसका है, किसका है, सौरभ जैन ने लिखा है। यहाँ पे आता हूँ
हाँ, विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेस्ट, यहाँ पे किसने लिखा है, करियर फाउंडरी ने। तो ये आर्टिकल, मैं ये क्वेश्चंस को भी कॉपी करके हमारे पेज पे, जो पेज पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का एक सेक्शन है, दिखाता हूँ आप लोग, ये आगे हमारे साइट पे। इस साइट पे आने के बाद अगर आप स्क्रोल करते हो तो हमारे वेबसाइट पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ओवरव्यू दिया है, प्लस स्क्रोल करोगे आप लोग एट द बॉटम ऑफ द पेज, हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है दिख रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है ना, इन सारे क्वेश्चंस को मैं कॉपी करके आंसर के साथ हमारे एफएक्यूज में ऐड कर सकता हूँ, ताकि चांसेस बढ़ जाएंगे, किसी ने सर्च कर लिया तो हमारा क्वेश्चन के साथ आंसर भी गूगल उठा लेगा। तो मुझे ये वहां से भी सजेशन मिलता है, ये सब टाइप के क्वेश्चन भी मैं हमारे कोर्स कंटेंट के पेज में ऐड कर सकता हूँ। मिल रहा है मुझे, कैन यू सी दिस? तो इसमें से जो जो मुझे सही लगता है उन 3-4 क्वेश्चंस को लेके हमारे पेज के एफएक्यूज में भी ऐड कर सकता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे गाइस, मैंने स्टार न्यूज टाइप किया था और कहाँ पे गया, एबीपी लाइव, क्या टाइप किया था हमने, स्टार न्यूज, और चला गया है वो। तो ये कौन सा है, पेज टू पेज रिडायरेक्शन या डोमेन टू डोमेन, कौन सा है ये, पेज टू पेज है। ठीक है, एकदम सही बोला आपने, क्योंकि स्टार न्यूज और एबीपी लाइव दोनों एक ही साइड से, बराबर बराबर है ना? तो नहीं, फिर क्या, फिर वो एबीपी स्टार न्यूज अलग था, एबीपी लाइव अलग है, तो ये कौन सा था? अब मान लीजिए ये ऐसे कोई साइट है, www.abc.com, और abc.com का एक पेज है xyz, इस पेज पे दूसरे पेज पे जा रहा है वो है abc.com/defg, इस पे जा रहा है, ये कौन सा रिडायरेक्शन, पेज टू पेज या डोमेन टू डोमेन? पेज टू पेज, क्योंकि डोमेन चेंज हो रहा है क्या, पेज टू पेज, पेज टू पेज, हाँ इंटरनल पेज, हाँ, लेकिन ये कौन सा है, डोमेन टू डोमेन या पेज टू पेज है? पेज तो टू पेज है, ये कौन सा डोमेन है? प्रेस्टु अरे जर जारी का एक कंट्रा लहका है, ये प्रेस्टु fb.com एक अलग डोमेन है, ये अभी हम लोग fb बोलते हैं, लेकिन fb.com फेसबुक ने अलग सा खरीदा है, fb.com को फेसबुक ने अलग से खरीद लिया, क्योंकि फेसबुक 2006-07 में बहुत पॉपुलर जब हो गया था ना, तब बहुत सारे लोग fb को शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते थे, fb पे है कि तू fb पे है क्या, तो फेसबुक ने देखा fb बहुत पॉपुलर हुआ है, तो उसने fb.com को 50 करोड़ रुपए देके खरीदा, अपना 50 करोड़ रुपए पे करके खरीद लिया, और fb.com को कोई ऊपर करेगा तो कहाँ पे लेके गया, फेसबुक पे। तो fb.com facebook.com दो अलग डोमेन्स है, तो उसने fb को मूव किया है, फॉरवर्ड किया है फेसबुक पे, तो ये भी डोमेन टू डोमेन रिडायरेक्शन है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यस गाइस? सर, नो सर, यहां पे आप लोगों को हाउ डू सर्च इंजिन्स वर्क ये बता दिया है ना, सर्च इंजिन्स कैसे काम करते हैं, ये टॉपिक हुआ है क्या, ब्रॉलिंग, कैश डेट बोला है क्या आपको, यस नो, स्नैपशॉट, इंडेक्सिंग, हाँ या ना, निकिता, मोनिका, सोहम, खुशी, ये टॉपिक कवर हुआ है, हुआ है क्या, सानिया, नो सर, नहीं हुआ है ना? तो गाइस, हाउ डू सर्च सेम, इंजिन्स नो वर्क, सर, सर्च इंजिन्स कैसे काम करते, मान लीजिए आपने ओपन कर लिया google.com, और google.com ओपन करके आपने टाइप कर लिया समथिंग लाइक यू आर लुकिंग फॉर हिप हॉप का डांस क्लास, या फिर डांस क्लासेस के लिए आप सर्च करते हो इन पुणे, और आपने एंटर कर लिया, ये गूगल पे आते हो आप, गूगल को ओपन कर लिया आपने, और गूगल पे आके आपने टाइप कर लिया PHP क्लासेस इन थाने, समथिंग लाइक दिस, और आपके सामने ये बहुत सारी साइट्स आ रही है, जैसे आपके सामने यहाँ पे आ रहा है ये वाला साइट क्विक्स एक्सपर्ट्स, ये साइट गूगल के सर्च में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये साइट गूगल के सर्च में कैसे आया और गूगल ने इस साइट को रैंक किया है, तो अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आप सही से पहुंच चुके हो उसी पेज पे जो पेज पीएचपी कोर्स के बारे में बात कर रहा है, बराबर, तो गूगल ने बराबर इसी पेज को कैसे उठा लिया, तो गूगल बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखता है, हाँ गूगल बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखता है, जैसे गूगल जब आता है आपके पेज को देख रहा है, अरे ये वेबसाइट अच्छा क्या है, सिक्योर है,
वेबसाइट पे। अरे जो यूजर ये कौन सा कीवर्ड, पीएचपी कोर्स ट्रेनिंग इन ठाणे, अच्छा गूगल यहाँ पे पढ़ रहा है पीएचपी कोर्स ठाणे इन ठाणे, पीएचपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गूगल यहाँ पे चेक कर रहा है। हाँ हाँ पीएचपी के रिलेटेड क्या आ सकता है, पीएचपी माई स्किल, अच्छा ये तो सब रिलेटेड वर्ड्स है। हाँ एस एम पीएचपी के, यहाँ पे वो देख रहा है यहाँ पे पीएचपी ट्रेनिंग का है बात चल रही है ना, ट्रेनिंग की बात चल रही, तो ट्रेनिंग के रिलेटेड कीवर्ड कौन सा आता है, सिलेबस, सिलेबस के रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से आ सकता है, फैकल्टीज टूल्स, हाँ ये सारे आ सकता है कीवर्ड्स, ट्रेनिंग फैकल्टीज, हाँ प्लेसमेंट, वो ये सब देख रहा है पेज को, पेज कितना रेलेवेंट है, हाँ पेज मोबाइल फ्रेंडली है क्या, पेज का लोडिंग टाइम क्या है, तो गूगल ये सब सारी चीजें चेक करता है ना। तो गूगल का क्या होता है, एक स्पाइडर होता है, स्पाइडर मतलब नथिंग बट प्रोग्राम्स बनाए होता है सर्च इंजिन ने, उन्हें स्पाइडर्स कहा जाता है। तो गूगल ने ये सारी चीजें चेक कर ली, उसको क्या कहता है, क्या किया गूगल ने आपके पेज पे आके, क्या किया क्रॉल किया। उसके बाद अगर गूगल को लगता है ये पेज रेलेवेंट है, बहुत अच्छा है, इसका इसका आर्किटेक्चर बहुत सही है, फॉन्ट का टाइप साइज भी एकदम सही है, पढ़ने के लिए इजी जा रहा है, पेज पे कोई गैम्बलिंग नहीं लग रहा है, पेज का यूआरएल सही है, वेबसाइट भी सिक्योर्ड है, ये डोमेन भी पुराना लग रहा है, तो गूगल ने फिर क्या कर दिया, इस पेज का एक फोटो निकाल दिया। उस फोटो को निकालने के बाद उसको क्या कहता है, टेकिंग अ, तो गूगल जब इस पेज को विजिट करता है, उस पेज पे उस डेट का वो एक टाइम और डेट छोड़ता है, उस डेट और टाइम को कहते हैं क्या, और गूगल क्या करता है, इस पेज का कॉपी बना के गूगल के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होता है जहां पे गूगल पूरा डेटा सेव करता है, उस डेटा सेंटर में जाके गूगल इस पेज को सेव कर लेता है, उसको कहते हैं क्या। तो ये करने के बाद गूगल क्यों इस पेज का कॉपी बना के डेटा सेंटर में सेव करता है, क्योंकि गूगल ने देखा ये पेज कौन से कीवर्ड के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी सर्च करेगा पीएचपी कोर्सेज इन ठाणे, पीएचपी ट्रेनिंग ठाणे, तो ये पेज बहुत रेलेवेंट लग रहा है उसे, तो नेक्स्ट टाइम गूगल में किसी ने आके वापस सर्च कर लिया पीएचपी कोर्सेज इन ठाणे या फिर पीएचपी ट्रेनिंग ठाणे, तो गूगल के पास अपने डेटाबेस में ऑलरेडी एक पेज है जो गूगल उसके यूजर को इमीडिएटली सर्व कर सकता है, जिससे गूगल का टाइम भी बचेगा। तो फिर गूगल इसलिए ये प्रोसेस करता रहता है, कोई भी नया वेबसाइट जब आता है गूगल उन उस वेबसाइट के सारे पेजेस को क्रॉल करता है, उनके पेजेस जो रेलेवेंट लगते हैं उनका फोटो निकालता है, उन पेजेस पे डेट छोड़ता है और उन पेजेस का कॉपी बना के अपने डेटा सेंटर में सेव करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा उस पेज के रिलेटेड कुछ सर्च करता रहे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो पेज गूगल इमिजिएटली उसके सर्च में दिखाए। तो गूगल के डेटा सेंटर्स अगर आपको देखने हैं तो आप यूट्यूब पे आ सकते हो और यूट्यूब पे आप बोल सकते हो गूगल डेटा सेंटर। गूगल डेटा ये देखिए गूगल के डेटा सेंटर्स, आप लोगों को यहाँ पे चेक कर सकते हो आप खुद भी आपकी यूट्यूब चैनल A पे। data center is the brains of the internet, the engine of the internet. It is a giant building. A lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a week, they are incredibly passionate about what they're doing. My badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data Fahrenheit. You'll notice that we have overhead power distribution coming from the outside bars where we plug in all the extension cords. All of our designed in and high performance computing. It's true that sometimes
We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server to they're brought to an ultra-secure cage where they're erased, and we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been... Okay, so this is how the data center looks like, guys. So yahan pe agar aap log dekhoge to search engine sabse pehle aapke website pe aake kya karta hai, crawl. Unko agar wo page sab relevant laga to uska ek photo leta hai, uske baad us page pe ek date aur time chhodte hai, usko kya kehta hai, cache date, aur uske baad usi page ko wo apne data center mein save karte hai, usko kehta hai indexing. To aap kisi bhi website ko check kar sakte ho, jaise mujhe dekhna hai ki ye jo page hai is website ka, ye page, is page ko Google ne kab last check kiya tha, crawl kiya tha. To main Google pe aata hu, Google open karna hai aapko. टाइप करना है cache कैश कोलन, क्या टाइप करना है, कैश कोलन, और ये लिंक पेस्ट कर देना है आपको यहाँ पे और एंटर करना है. एंटर करने के बाद देख सकते हो क्विक एक्सपर्ट इन्फोटेक PHP की इस पेज पे गूगल ने लास्ट कब विजिट किया था, 30th January. दिखाई दे रहा है डेट आपको, यस नो? तो दिस इज हाउ यू कैन चेक द डेट ऑफ एनी पेज व्हेन गूगल हैज crawled the page. कुछ समझ में आ रहा है? मोनिका, निकिता, सोहम, खुशी जी, यस सर, यस सर. तो दिस इज हाउ द सर्च इंजन्स कीप ऑन वर्किंग ओवर हियर. तो यहाँ पे इस तरीके से काम करता है सर्च इंजन. सर्च इंजन की ये जो स्पाइडर्स होते हैं, स्पाइडर्स मतलब नथिंग बट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो सर्च इंजन ने बनाए होते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए. सर्च इंजन स्पाइडर्स को बॉट्स भी कहा जाता है, इन्हें क्रॉलर्स भी कहा जाता है, ये सब नाम्स होता है. हर एक सर्च इंजन का अलग अलग क्रॉलर हो सकता है, याहू का अलग, बिंग का अलग, गूगल का अलग. तो अब यहां तक हम लोग आ चुके हैं, अब क्या करोगे आप? अब आप लोगों को हम यहाँ पे एक टास्क देने वाले हैं. ये टास्क तो कर लिया है आपने, इसमें से ये पेज ऑथोरिटी, डेमो ऑथोरिटी, ये तीन टेस्ट छोड़ दीजिए. अब आप लोगों को यहाँ पे ये पूरा टास्क दिया, ये दो वेबसाइट्स है आप लोगों को, अभी ये वेबसाइट्स का आप लोगों को डोमेनेज, कैश डेट, HTTP पेज टाइटल यूजिंग SEO क्विक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कौन से कीवर्ड को टारगेट किया गया है, टारगेटेड कीवर्ड कितनी बार रिपीट किया गया है, ये पेज मोबाइल फ्रेंडली है क्या नहीं, ये निकाल दीजिए. पेज लोडिंग टाइम को चेक करना है आपको, या फिर स्कोर बताना है ब्रेड क्रम्स. उसके बाद ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये आर्टिकल का टेक्स्ट है, इसको आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे प्लैगरिज्म चेकर, क्या करोगे प्लैगरिज्म चेकर, और जो भी टूल आएगा उसमें ये कंटेंट ऐड करोगे और बताओगे ये कंटेंट कितना यूनिक है, कितना कॉपीड है. उसके बाद यहाँ पे इसी आर्टिकल को आपको ओपन करना है, और इस आर्टिकल में ये सब बटन्स है क्या, सोशल शेयरिंग, टेबल ऑफ कंटेंट छोड़ दो, जो सिखाया नहीं वो छोड़ दीजिए, इंटरनल लिंक्स है क्या, देखिए एक्सेल सिखाया नहीं आपको, आर्टिकल पब्लिश डेट चेक करना है, ऑथर नेम चेक करना है, उस पेज को गूगल ने कब कैश किया था, पेज मोबाइल फ्रेंडली, ये टेस्ट निकाल देता हूँ. डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी भी आप लोग अभी के लिए निकालोगे. उसके बाद ये चार कीवर्ड्स है, इन चार कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करके वैभव बजाज का ये जो पेज है ये कौन सी पेज पोजिशन पे आ रहा है ये आप बताओगे. तो ये टास्क अब हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं, कौन करना चाहेगा ये टास्क बोलिए. खुशी, मोनिका, निकिता, सोहम, हु वुड लाइक टू शेयर योर स्क्रीन एंड कंप्लीट दिस टास्क, और आई विल कॉल समवन फ्रॉम द बैच. अपूर्वा, ये ना कहा टास्क कंप्लीट करेगा, कहा तारीख है अनुजा. चलिए हम स्वागत करते हैं अनुजा जी का यहाँ पे मंच पे, आइए इस मंच पे और इस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए.
आप लोग कैसे हो? ये वापसी एक लाइट डाउन है ना? नहीं है एक वो ये टास्क ग्रुप पे भी शेयर करना है। मैं ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ निकिता जी, रुकिए करता हूँ। सुगेड़ा ऐसा है ग्रुप पर दिए 7 पहले होता है। एक मिनट चेक कर दो। मैं तो गंदा बड़ा समय कर चुका सर। ये पूर्ण कॉपी पेस्ट करो ना तुम। हां पहले फैक्टर में नंबर से रिस्ट्रिक्शन अभी डाइवर्सिटी में चली गई है। आगे से ऊपर का बाय के पण उसके हम ये आपला नाही बरोबर आहे ना? हां नाही सॉरी सॉरी हे याचच आहे ना उत्तर। हे त्याचंच आहे पण ते आधीच त्याचं आपण लिहून नाही घेतलं। पण हे आपल्याला यांच्यासाठी राहावं लागेल ना जर नाही राखायचं वर्स नाही डिस्क्रिप्शन। मी याच्या खाली जाते मी आणि ते नीट एंट्री आहे सर। कधी होते हो गेलो शिव मॉडेल कसली मला वेळ लागला म्हणून सुरू आहे।
वो एसईओ क्विकर तो सर ने बताया होगा ना कैसे करते हैं वहां से एक्सटेंशंस पेज इनफो में जाके लिया था पहला तू सांगितलं तिकडं जाऊ इथे काढून टाकू पहिलं नाही घेतलं तरी चालेल अरे यार हेच तर ऑडिट केलं ना सगळ्याचे तू नाही केलं तरी चालतं ते आमच्यासाठी माझी अख्खी वेबसाईट रिडिझाईन टाकली माहिती क्लायंट ती त्या दिवशी दाखवली ना क्लायंट मानला सगळी रिडिझाईन पण त्यांनी स्वतःनेच काय केलं होतं त्याच्यामुळेच तुला त्याचं काम जास्त आलं असं मला वाटतं तो म्हटलं मॅडम मी डिझाईन करायची वेबसाईट म्हटलं सर ऑडिट झाल्यानंतर पण आपण ह्याच ना हे लिहिण्यापेक्षा ना हाय मीडियमच लिहिलं पाहिजे आतमध्ये जाऊन कर पण कारण की तुला माहिती टार्गेट कट कीवर्ड रिपिटेशन तर हे ह्याच्यात बघावं लागेल ना आपल्याला टार्गेट कट कीवर्ड रिपिटेशन तर आपल्याला त्या मेन पेज लाच बघावं लागेल ना करेक्ट वेबसाईट
और ये टास्क होने के बाद आप लोगों को आपके वेबसाइट पे आपने योगा और जुम्बा का पेज क्रिएट किया था, आपको उसके अंदर एरोबिक्स का पेज भी ऐड करना है, एरोबिक्स पेज का पूरा टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ। कल है कंट्रोल एफ करके सर्च किया कि कितने टाइम रिपीट हुआ है, बस कीवर्ड कितने टाइम रिपीट हुआ है, कैसे सर्च किया आपने, अरे इतना छोटा कीवर्ड है सर, टर्म इंश्योरेंस प्लान, ऊपर टाइटल में देखो ना, टाइटल पढ़ने के बाद आपको कीवर्ड समझ में आएगा, टाइटल पे माउस ऊपर करो, ऊपर ये ऊपर जो आता है ना यहाँ पे, हाँ वो तो वर्ती वर्ती रहे पेज से टाइटल, मुझे इधर माउस ले लूंगा, हाँ रुको ये क्लोज करो, ये सर पे कौन से कीवर्ड को टारगेट किया जा रहा है, ऊपर जाइए वापस वहां पे, हाँ रुकिए नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा राइट क्लिक करो व्यूसर्स, यहाँ पे देखो आपका क्या है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कौन सा कीवर्ड है, टर्म इंश्योरेंस प्लान लाइफ, हाँ तो टर्म इंश्योरेंस प्लान ये कीवर्ड को सर्च करो कितनी बार यूज किया, कंट्रोल एफ टर्म इंश्योरेंस प्लान कितनी बार, हाँ लिखो अभी वो कीवर्ड को 70 टाइम्स यूज किया, और यही कीवर्ड को देखिए टर्म इंश्योरेंस प्लान टाइटल में दिख रहा है क्या, चेक कीजिए ऊपर जाइए टाइटल, आपके पेज का टाइटल दिखाई नोटपैड में, नोटपैड में टाइटल में है टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्या दिखाई दे रहा है सर, सिलेक्ट करो टर्म इंश्योरेंस प्लान को, हाँ यस सिलेक्ट करो पूरे कीवर्ड को, यस आ रहा है डिस्क्रिप्शन में आ रहा है टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद में टर्म हेडिंग में टर्म इंश्योरेंस प्लान वहां पे भी यूज किया गया था, टर्म इंश्योरेंस प्लान पूरा लिखो प्लान पर, लेकिन वो H1 है क्या, अच्छा ठीक है स्क्रॉल करो, रिपीट कितनी बार किया 70 टाइम्स, अभी पेज लोडिंग टाइम चेक करो, इस पेज पे ब्रेड क्रम्स है क्या ये भी चेक करो, ब्रेड क्रम्स सिखाए क्या आप लोगों को, नहीं ना ब्रेड क्रम्स सिखा रहे अभी तक, दोनों पुराने पैड, पेज स्पीड चेक कर लीजिए, बन जाता मला हे हे लावून देता होता हे हे म्हणजे हिट 70 टाइम्स, तर मग एच1 नुसार कीवर्ड्स शोधायचे, हेडिंग नुसार कीवर्ड्स शोधायचे, म्हणजे ते माहिती आहे हा प्रश्न इथे विचारायचे की चल पुन्हा काची लाईन पर आज काय नाही आपण तिथे लिहिलं तुम्हाला इथे मग हे काय म्हणतो तर वन कॅन सब नाही हो डेट हा पेज लोडिंग टाइम पेज लोडिंग के लिए कौन सा टूल बताएं, यही था ना पहला वाला जीटी मैट्रिक्स, जीटी मैट्रिक्स यस थैंक यू, देखो क्या चल रहा है, ये पण सांगितलं दोन्ही सांगितलं नाही कम बंद तो हे पण नाही करते Thank you.
जीटी मैट्रिक्स हम तीन सारे कुछ जीटी मैट्रिक्स में ये जो एक्चुअली सरानी साइड बाय साइड दोनों चक्की लगी है तो एमपीसी ने कभी नहीं सर लगा पाया शी हाँ पूरा मैं के देता पर मजा वाला तो कुछ मेरे को तो गुड टाइम भी इतने टाइम भी मतलब इसमें बेस इंसेसेंसी भी था इंसेसेंसी हेलो नाही मला पण असं सगळं बॅग काय का क्रॉस हेलो ना आले ना म्हणजे दे एखादी दॅट मीन्स तो परफॉर्मन्स इश्यू होता पण हे असं आलेलं आहे खूप वेळ पण हे असते पण पण हे जे ना माझं पण असं सिटम आहे ते जी टी मॅट्रिक्स ला का बरं आपण लास्ट टाइम पण केलं होतं आपण असं नाही ना माझं पण जी टोमॅटो तुम्ही कितना है मोबाइल पे परफॉर्मेंस 53 और डेस्कटॉप पे कितना है दोनों का स्कोर लिखो मोबाइल पे कितना है डेस्कटॉप पे कितना आज मैं आप लोगों को 3 से 4 असाइनमेंट्स भी सेंड करने वाला ग्रुप में आप दोनों इस ग्रुप में ज्वाइन कर लिए आप दोनों हाँ अभी ये कंटेंट जो नीचे का इंडिया इज राइजिंग एंड शाइनिंग ब्राइट ये कंटेंट गाइस प्लैगरिज्म चेकर क्या टूल होता है ये सबको बोल रहा हूं मैं प्लैगरिज्म चेकर एक ऐसा टूल होता है जो कॉन्टेंट आप लोग लिखते हो या फिर कोई कॉन्टेंट आपने किसी टूल से क्रिएट किया या फिर किसी कॉन्टेंट राइटर ने आपको लिख के दिया तो वो कंटेंट कितना यूनिक है कितना कॉपीड है वो चेक करने के लिए प्लैगरिज्म चेकर करके टूल आता है तो गूगल पे पहले जाके सर्च कीजिए प्लैगरिज्म चेकर और उस टूल में जाके वो कंटेंट जो मैंने दिया ना आपको नीचे पैराग्राफ वो पेस्ट कीजिए देखो नीचे 1000 वर्ड्स तक और उसको चेक कीजिए और उसके आगे का असर मैं शुरू करूंगा वो देखो करते हैं अच्छा प्लान में जो भी लगे अपन लड़ लेंगे सब हो ये तो अभी का रिजल्ट देखो मतलब कोणाला करायचं आम्ही रिपीट करतोय आमचं कधी झालंय तुम्ही पण रिपीट करताय ठीक आहे रिपीट कर तुझी पण बॅच झाली आपकी बॅच 15 झाली ओके कोणत्या बॅच आहे 4 वाजता आहे चार कोणत्या कॉलेज आहे तुम्ही दोघी ठीक
त्यांनी हो म्हटले पण मी नाही म्हणाली नाही कॉन्फिडन्स कारण की काही काही गोष्टी क्लिअर व्हायच्या होत्या आणि मग तिथे जाऊन एकदम ब्लँक नको व्हायला ना पण अशात ना काय घ्यायचं आपल्याला ते किती डुप्लिकेट आहे आणि केलं पण ते एसयू क्या होता है और एक टास्क देता है ऐसे असाइनमेंट की तरह बस कुछ खास नहीं वो जो सर ने दिए ना वो सिलेक्ट किया वो बस एल्गोरिथम से करते वो टूल में डाल दिया बस चार बजे के बाद सरी लेते थे या पंखा सरी लेते थे सरी अजून ती बाईस पूर्ण नाही झाली चालू आहे त्यातच नवीन मध्ये जी आहे ओके ती तुझी अपडेट करण तुम्ही 0% आणि प्लॅग आले 100% असं डबल कसं राहील म्हणजे डुप्लिकेट आहे 100% म्हणजे माझ्या बेसला अर्थ झाला हे म्हणून मला प्रश्न पडलाय कुठे येतो ऑथर मला तुम्ही चारचे पण मॅच करता ना नाही आम्हाला टाइम किती होता पण तेव्हा शिफ्ट सॉरी आय कांट सी वेअर एक्झॅक्टली ब्लैंक पेज ना बघ
खाली जो बघ एक बॉक्स असतो वेबसाईट आपको कुछ याद है ऑनलाइन बस मतलब कोणाला काही माहिती आहे का याबद्दल? वो शेयरिंग बटन के पास में सोशल शेयरिंग बटन पण हे दिस इज आर्टिकल याला नाही येते मुझे भी अब समझ रहा लेकिन वो इस मैं यहाँ पे नहीं है ना नहीं वो आप बोले ना वो ही है वो बराबर है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा हाँ लेकिन ये दूसरे ये दूसरा वाला आर्टिकल लिखा है ये लिखा है हाँ ये इसका है ये इसका है पूरे का नहीं है छोड़ देते बाद में पूछते हैं इस तरह हमें कुछ मिला नहीं सोशल शेयरिंग बटन थे लेकिन ये अभी नहीं है यहाँ पे इस आर्टिकल को नहीं है हाँ ये जो है वो अलग है इसका मैंने ये कर दिया शेयर कर रहे हैं हाँ ये बोलो आपको कौन आणि काही फक्त interlinks yes ये देखो ये आर्टिकल में क्या क्या है ना वो शो होता है और इंटरलिंक्स पण आहेत म्हणजे जर पण तुम्ही क्लिक केलं जाऊ एक्स्ट्रा पण असतीलच डेटा सायन्स म्हटलं तर येणारच हे इंटरलिंक होती पूर्ण आर्टिकल बघावं लागेल जॉब सीकर्स इंटरनेट
इंटरनल लिंक से हार्ड पब्लिश मुझे अच्छी की थी नहीं अच्छी थोड़ी पब्लिश अट्ठावी मैं मतलब कभी 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 उसका नाम ऊपर भी रहता है आपण इथले इथेच असेल तर कुठे जरी त्याचं नाव ऑथरचं नाव आपण ना गडबड करतो असं पता काय होते असं फिलिंग येते हां ठीक आहे अरे यार हिस्ट्री केस करता समजा बरोबर आहे हां एचटीटीपी तुम्हाला पेज अथॉरिटी आणि डोमेन शिकवलं का डीएमपीएम तुम्हाला पण नाही ना पेज अथॉरिटी अँड डोमेन अथॉरिटी त्यांनी डेटा साइंस ट्रेनिंग निकालना पोजिशन कोर्सेस इन पुणे तर मग आपल्याला असंख्य तर काय दिखाई जरा लास्ट चेक करा ओके सर पण आता असा प्रश्न आहे की आता डेटा सायन्स कोणी बोला पुणे कोणी बात करणार आहे बोली ना डेटा साइंस कोर्स इन पुणे सर्च करना है लेकिन रैंकिंग रिपोर्ट में कैसे सर्च करेंगे तो गाइस देखिए डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे के लिए सर्च करके आप कंट्रोल एफ कीजिए कंट्रोल एफ टाइप कीजिए कंट्रोल एफ हाँ और उस वेबसाइट का नाम क्या है वैभव हाँ वैभव हाँ बी ए आई उतना पूरा मत कीजिए वैभव सर हाँ पहले स्टार्टिंग बी ए आई बी एच लिख दीजिए सर बी ए आई बी एच बी ए आई बी एच एंटर है क्या पहले पेज पे एंटर नहीं आ रहा है तो लिखिए नॉट ऑन द फर्स्ट पेज आपको सिर्फ फर्स्ट पेज का रिजल्ट चेक करना है क्लासेस ओके कोर्सेस था वो सेकंड कीवर्ड ले लीजिए हाँ ये कुछ नया है मेरे लिए हाँ अगेन नॉट फाउंड
ये वेबसाइट के लिए ये सारे सर्च कर रहे हैं जैसे सर ने अभी मैं बताया था आपने वेबसाइट इनको आणि ते काय होतं म्हणजे आपलं स्कूल होती तिथे मार दिली यासाठी होतं ना तर इथे तसं इंटर हिंदी और इंग्लिश ते पण तशासाठी होतं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इथे असं स्पेसिफिक कुठलं कीवर्ड नाही आहे ना अभी आ रहा है ट्रेनिंग के लिए आ रहा है हो पण तू फाउंड होतो है ना बस तुम सफर वेगळं हे वेगळे सर बस फाउंड हो रहा है अभी पीए और डीए बता दो तो नको अपन शिकवलं नाही तर आपण कसं सोपं आहे टूलच आहे ते तुम्हाला नंतर एकदा रिवाइज होईल आता सांगितलं हा ही वेबसाइट पेसे कॉपी पेस्ट और पेज डोमेन करके टूल है हाँ डोमेन पेज ऑथोरिटी करके डोमेन पेज पेज नहीं एज है पेज ओके पेज पेज ऑथर ठीक है फर्स्टली सर ने बोल सर मॉस की बेसिकली ठीक है इसमें दोनों भी आ जाते हैं पी एन डी म्हणजे सिंगल डिजिट का दिसत नाही असं एक दिसेल डोमेन पेज डोमेन ऑथॉरिटी आणि पीए म्हणजे पेज ऑथॉरिटी आणि ते टूल आहे एका टूल मध्ये ते डीए पण येतं आणि पीए पण येतं म्हणजे एकदा रिझल्ट केलं ना आपण की बीए पीए दोन्ही पण येतं एका स्टोरी तर लोन चालते हा म्हणजे एकाच ह्याच्यात दोन्ही पण दिसत पण आता हे सगळे टूल आहेत ना ते काही टूल चालतात म्हणजे शो करतात काही टूल सॉरी चेक होते किया किया ना फिर भी नहीं हो रहा है हे घेतलेलं का नाही आलो डोमेन अथॉरिटी 72 आहे ही 100 मध्येच असते नेहमी पेज अथॉरिटी एम आर ई पी ए
लोड व्हायला फारच वेळ आपण सरांना सांगायला लावू एकदा आपण आणि याच्यावरती येतात बघून येत नाही ना म्हणून मी त्याच्यामुळे मी पुन्हा पुन्हा चेकते बाकी काही कारण की तेच ते टूल्स येतात काही वेगळे येत नाही आहेत ते ना ते ते केल्याशिवाय पुढे येत असे आले असेल 72 आणि 33 आणि हे सर सांगतील स्पॅन स्कोर वगैरे बरोबर आणि आपण त्याच्यासाठी कोणतंही टूल यूज करू शकतो आता आधीचे आपले झाले नाही म्हणून मी वेगवेगळ्या याच्यात गेले डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी करके डाल के तीन चार आते हैं टूल्स उसमें से कौन से मैं इसमें गया तो चल गया ये शायद डी और बी मैं जॉब कॉलेज मसल आता प्रैक्टिस करत असतो कॉलेज मसल वो भी गया जल्दी जब अपना नए नए सीखते रहते तो फिर सर डन हो गया तो लेट मी चेक आउट तो गाइस देखिए यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट किया है और ये टास्क जो है ये टास्क निकिता सोहम सानिया मोनिका ऑनलाइन है ये टास्क जो है ये अभी समझ में आ रहा है डोमेनेज आ गया कैश डेट SVBS, पेज टाइटल उसमें कीवर्ड टर्म हमेशा ध्यान में रखिए कोई भी कौन से पेज को कौन सा कीवर्ड टारगेट किया जा रहा है ना टाइटल को ठीक से पढ़ो देखो बेस्ट ये तो कीवर्ड नहीं होता है ये बेस्ट तो जनरल सब जगह यूज कर बाय इवनिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान ओके दूसरा कौन सा है लेकिन कौन सी पॉलिसी पॉलिसी बहुत होती है मेडिकल पॉलिसी होती है टर्म होती है कार पॉलिसी होती है कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान ही है ठीक है क्या टर्म इंश्योरेंस प्लान टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे भी टारगेट कीवर्ड में भी यूज किया टर्म इंश्योरेंस प्लान पेज का लोडिंग टाइम मोबाइल के लिए 53 डेस्कटॉप 61 कंटेंट क्या है कितना है कॉपीड प्लैगरिज्म 100% प्लैगरिज्म है मतलब 100% कॉपीड कंटेंट है ये उसके बाद ये आर्टिकल जो आपको दिया था उसमें सोशल शेयरिंग बटन है क्या यस टेबल ऑफ कॉन्टेंट नहीं सीखा अभी अभी तक आपको इंटरनल लिंक्स है एक्सटर्नल लिंक भी अभी तक नहीं बताई आपको आर्टिकल पब्लिश डेट है 28 फरवरी 2019 का है मतलब ये आर्टिकल अपडेट अगर करोगे आप 2024 चल रहा है आर्टिकल कब का है 2019 का तो आर्टिकल में इसी आर्टिकल में कौन से टॉपिक पे ये आर्टिकल अ कंप्लीट गाइड टू डेटा साइंस हो सकता है उस समय का डेटा साइंस का जो गाइड था वो अलग था आज का डेटा साइंस का गाइड अलग हो सकता है तो इसी आर्टिकल में वो वेबसाइट उसी आर्टिकल को और अपडेट करके उनका अपडेटेड डेट भी मतलब यहाँ पे डेट भी अपडेट कर सकता है तो आर्टिकल्स रैंक होने के चांसेस बढ़ते हैं ऑथर नहीं है और उस पेज का क्या डेट क्या है ये डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी भी नहीं सिखाया अभी तक आप लोगों को और वैभव बजाज का ये जो पेज है ट्रेनिंग का डेटा साइंस का इन सारे कीवर्ड्स के लिए कहीं पे भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है अभी तक
तो यहाँ पे ये असाइनमेंट जो मैं अभी आप लोगों को आपके ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, कहाँ पे 10 बजे का बैच, 10:30 का, सर रिक्वेस्ट यू टू शेयर द असाइनमेंट। यस ये यहाँ पूछिए सर, काइंडली ऐड मी इन ग्रुप। काइंडली ऐड यू इन द ग्रुप, ओके आई एम काइंडली ऐडिंग यू इन द ग्रुप, आई एम ऐडिंग काइंडली, वेट ऐड मेंबर सोम, सोम स्टूडेंट 10:30, अपूर्वा काउंटिंग, अनुजा अनुजा तो आएगा तू, 8080 ये का बोलो नंबर क्या आपका, 8080 हाँ 8080 9877 7783 इन सबको ऐड कर दिया है आपके ग्रुप में, पूरा ऐड इनवाइट करना पड़ेगा आपको, इनविटेशन आया देखो आपको। तो मैं ये चैट आपको ऐड कराऊ यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको और भी 2-3 असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, 10:30 एस सी ओ असाइनमेंट्स, 25, 26, 14 मई, 16, 4 से 5 असाइनमेंट्स दिए मैंने आप लोगों को, जितनी हो सके उतनी सॉल्व करो, जितना सिखाया उतना सॉल्व करो, जो नहीं सिखाया उसके लिए रुकिए, हम लोग वो भी कवर करेंगे आने वाले सेशन में। तो यहां तक कोई क्वेश्चन, सानिया सोम निकिता मोनिका यस नो कुछ तो बोलो। यस सर, सर आपने बोला था कि अभी जो डिजिटल मार्केटिंग जो वेबसाइट है इट्स रैंकिंग ऑन 6th, तो हाउ विल यू इंक्रीज द रैंकिंग? वेरी गुड क्वेश्चन, अभी हमारा नवी मुंबई के लिए रैंकिंग कहाँ पे, 6th पे पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, उसको लाना है हमें 1st पे। तो रैंकिंग में 3 फैक्टर्स होते हैं, एक ऑन पेज एसईओ, एक आपका टेक्निकल एसईओ, और तीसरा होता है आपका ऑफ पेज एसईओ। अब मैं कल आपको दिखाऊंगा कि ऑन पेज में हमारा क्या क्या सही है, टेक्निकल में क्या क्या सही है, और ऑफ पेज में, ऑफ पेज एसईओ जब होगा आपका तब आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि अच्छा ये सब चीजें भी करनी पड़ती है रैंकिंग को। रैंकिंग सिर्फ ऑन पेज एसईओ पे नहीं आता है, रैंकिंग ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, इन 3 फैक्टर्स पे होता है। तो एक बार आपका पूरा ये कोर्स खत्म हो गया एसईओ का मॉड्यूल, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तब रैंकिंग इम्पैक्ट करता है। तो थोड़ा रुकिए, ये सब मैं बताऊंगा कल के सेशन में, मैं ऑन पेज कैसे चेक किया जाता है, एसईओ ऑडिट कैसे किया जाता है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है साली जी, आप क्लासरूम में बैठ के असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो असाइनमेंट भेजिए गाइस प्लीज सॉल्व कीजिए आपके एंड से, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। एनी क्वेश्चंस? तो या मोनिका जी सोहम, अरे कुछ तो बोलो। ठीक है कल मिलेंगे 10:30 बजे, ओके।